खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। लगातार रोजाना अहम मुद्दे हम लेकर आते हैं बिग फाइट में। राजनीतिक तौर पर प्रमुख मुद्दे होते हैं, लेकिन जब बात संवेदनशीलता की आती है, जब बात गौ माता की आती है और जब संवेदनशीलता जहां दिखानी होती है, मुद्दे वो बेहद अहम हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पशु की जिसे लाखों करोड़ों के लिए जो पूजनीय भी है, चुनाव के समय ये चुनावी मुद्दा भी बन जाती है। जी हम बात कर रहे हैं गाय की, यानी वो गाय जो लोगों के लिए पूजनीय है, जिसकी जब तक जरूरत होती है लोग पालते हैं, इसके बाद उसे लावारिस छोड़ देते हैं, इसके बाद अगर किसी गाय की किस्मत अच्छी है तो उसे गौशाला भेज दिया जाता है। यानी कि गौशाला एक ऐसी जगह है जहां गाय की सेफ्टी की गारंटी ली जाती है। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखने के बाद आपका दिल दहल उठेगा, सीने में चिंगारी उठेगी, आपका मन कुछ यूं करेगा कि काश आप होते तो ऐसे हालात नहीं बनने देते। तस्वीर हम पहले आपको दिखाते हैं और इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर है झुंझुनू के चिड़ावा की, जहां श्री कृष्ण गौशाला में बरसात का पानी भरने के कारण दो दिन से गाय यूं ही खड़ी है। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, दर्दनाक हालात इस कदर है कि गाय ना तो बैठ पा रही है ना ही सो पा रही है। पूजनीय गाय की बड़ी बेकदरी तो यह है कि नगर पालिका की ओर से भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर करिएगा। ये पहली तस्वीर आपको हमने दिखाई झुंझुनू की और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की, जहां सबका मालिक एक गौशाला में सेवा के नाम पर गायों को लाया गया, लेकिन उन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। हालात ये हो गए कि चारे पानी के बिना 50 गायों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा गाय दर्द से तड़पने को मजबूर है। दिल दहला देने वाला मंजर ऐसा है कि उठ नहीं पाने वाली गायों की आंखों को चील और कौवों ने नोच खाया है, जो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा नहीं सकते। खैर, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो बस यही कहा जा सकता है कि आखिर क्यों पूजनीय की ऐसी बेकदरी हो रही है। तो चलिए इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता आर आर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरक्षक दल से साध्वी कमल दीदी जी जुड़ चुके हैं और साथ ही जैसलमेर से विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री पवन वैष्णव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मनीष जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे अहम ये कि हम गायों की बात करते हैं, गौ माता का जिक्र करते हैं, चुनावी मुद्दा ये बन जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल है? राजनीतिक तौर पर कोई जवाब नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते, संवेदना होने के नाते, इन तस्वीरों को देख के सबसे पहले क्या महसूस किया आपने? नहीं श्वेता, बात तो सही है, दुखद है, और ये जो ड्रामा चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, ये सारे लोग राय शुमारी में लगे हुए हैं, माकन जी आए हुए हैं, वो वायलट साहब दिल्ली गए हैं, मंत्रियों को हटाना है, विधायक, मैंने तस्वीरों की बात की मनीष जी, ये इसीलिए कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि जो जुडिशियरी आप देखेंगे, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो भी कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, सब लोग अपने पॉलिटिकल उसमें लगे हुए हैं, मंत्री बनेंगे, बदलेंगे, हटेंगे, और इसी कारण से मैं आपको कहता हूं कि जो सेस के रूप में आपने लिया, गौशाला का टैक्स लिया रजिस्ट्री पर, रजिस्ट्री सबसे ज्यादा कीमत है राजस्थान में, पूरे भारत में रजिस्ट्री जो शुल्क है सबसे ज्यादा है, पेट्रोल का जो सबसे ज्यादा है, और मनीष जी आपने बहुत सारे वजह बता दी कि क्या क्या है, लेकिन हम इन गायों को देखकर, तस्वीरों को देखकर आपसे कह रहे हैं, मुख्यमंत्री या विधायक की चली छोड़िए कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप ये कहना चाहते मान लेते हैं, वहां जिनकी जिम्मेदारी है, इस तरह से गायों को छोड़ा गया, दो दिन से पानी में गाय खड़ी है, जरा महसूस कीजिए ना आप और हम, हमें दो दिन के लिए खड़ा कर दीजिए, जब हम बैठ नहीं सकते, हम सो नहीं सकते और खड़े रह जाए 48 घंटे तक। निश्चित मैं यही कह रहा हूँ, इतनी दुखद परिस्थिति है, और इसी कारण ये आक्रोश मेरे मन से निकल रहा है कि जब दो ही तरीके बचते हैं, या तो सरकार संरक्षण करे या गोभक्त करें, तो गोभक्तों के भरोसे ही चल रही है तो ये कहना चाहते हैं मनीष जी, गोभक्त नहीं है। मैंने आपको कहा मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन दोनों बातें हैं दीदी, यही तो बात बता रहा हूँ मैं, रजिस्ट्री में पैसे ले लिए, वो गौशाला को अनुदान देना चाहिए, राजस्थान सरकार देती है,
लेकिन अगर ये लापरवाही कोई करता है तो उसमें कटौती होनी चाहिए ना। क्योंकि इससे पहले साध्वी कमल दीदी के पास मैं जाऊं, आर आर तिवारी जी, क्योंकि कांग्रेस नेता है आर आर तिवारी जी, अभी आरोप और सवाल तो बहुत सरकार पर उठा दिए, लेकिन सवाल ये उठता है की गौशालाओं की हालत ऐसे ही है, और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है उसके बाद समझ में आता है की देख रेख तो हो ही नहीं रही है। कहीं पर पानी भर गया है तो कहीं पर भूख प्यास से तड़प तड़प कर गाय इतनी कमजोर हो गई की खड़ी नहीं हो सकती है, चील कौवे आंख नोच कर ले जा रहे हैं, कौन इनकी देखभाल कर, जिम्मेदारी किसकी है सर? देखो श्वेता, गाय हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र पशु माना गया, हम इनको माँ का दर्जा देते हैं। सवाल है कि अगर आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो उसमें ये बातें हो जाती है। सरकार आज भी संवेदनशील है और साध्वी जी बैठी हैं, कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की जननायक सरकार ने सेस लगा करके गौशालाओं को पहली बार सबसे ज्यादा अनुदान दिया है। कहाँ जाता है वो अनुदान? सवाल है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा कहाँ है सर? आप तस्वीर देखिए ना, भूख प्यास चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ये प्राकृतिक आपदा में गिरेंगे? ये सरकारी गौशालाएं नहीं है, जिन्होंने गौशालाएं खोल रखी है उनकी भी जिम्मेदारी है। और अभी मनीष पारिक जी कह रहे थे कि माकन साहब आए हैं और हमारे यहाँ क्या होगा, मैं कह रहा हूँ शर्म आनी चाहिए, आंखों में पानी होना चाहिए। मनीष पारिक, राजस्थान की राजधानी में आपके शासन काल में जब निगम भी आपका था, सरकार भी आपकी थी, हजारों हजारों गायें हिंगोनिया गौशाला में रोज सड़ती हुई मर गई। वो वोट तो ले लेते हैं, वोट कौन गाय के नाम पर कभी कोई चंदा चिट्ठा नहीं देते। आज आप कौन ही देते हैं? मैं कह रहा हूँ चंदा चिट्ठा से चल रहा है, इकट्ठा कर लिया कहीं गौशाला के नाम पर आपने, अपनी सरकार ने क्या करा गायों की? आपने हालत सुधारी होती, आप हिंगोनिया गौशाला का जिक्र करें, सालों पहले की बातें हम याद दिलाएंगे। मैंने पहले कहा शुरुआती में कि हमें राजनीतिक तौर पर इसको कोई बयानबाजी किसी से नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। बात यहाँ गाय की हो रही है, मुद्दा गाय बनती है, वोट जो मिलते हैं गायों के को मुद्दा बनाने के बाद वक्त चुनाव के दौरान मिलता है, और इसके बाद कुछ होता नहीं सर। ऐसी तस्वीरें देखने के बाद भी अगर एक दूसरे पर सवाल और आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे, क्या इसका समाधान निकलेगा? ठीक है, साध्वी कमल दीदी जी, ठीक है, देखेंगे सर, देखेंगे, वही हमारा मकसद भी यही है कि इस पर कार्रवाई हो, कार्रवाई से ज्यादा व्यवस्थाएं ठीक हो यहाँ पर। साध्वी कमल दीदी जी, गौशालाएं पूरे प्रदेश में है, हालात इस कदर हो जाते हैं, हमने देखा, अगर इतने सारी गौशालाएं होने के बाद, अनुदान मिलने के बाद, गौ रक्षक जो यहाँ पर है भी बहुत सारे प्रदेश में, और ये बात कहते हैं कि अपनी जान तक दे सकते हैं गौ सेवा के लिए, तो गायों की हालत ऐसी हो क्यों रही है? देखिए, पहली बात तो आप इन तस्वीरों को देख के ये समझे, जो जैसलमेर की हैं वो तो वाकई दर्दनाक तस्वीरें हैं, और चिड़ावा में बारिश ज़्यादा होने की वजह से ये हुआ है। अभी गाय सुरक्षित हैं और नगर पालिका ने अभी वहाँ पर जनरेटर भी लगा दिए हैं ताकि पानी निकल सके। दूसरी बात, ये जो राजनेता बैठे हैं दोनों ही गलत है, दोनों ही अपनी बकवासे कर रहे हैं। अगर ये लोग चाहें तो ये ऐसी स्थिति ही नहीं बने, ना तो आज बीजेपी और ना ही कांग्रेस कोई भी इस चीज पे कार्य कर ही नहीं रही, ये तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ये लोग। ठीक है, अभी मनीष जी कह रहे थे, तो क्या मनीष जी गोभक्त नहीं है? ये कह रहे थे गो भक्तों का है, तो आप भी गो भक्त है, आप भी इनकी सेवा करें। अगर सब लोग मिलके वास्तव में इसको माँ मानते हैं तो इसके दर्द को समझे। मैं खुद गौशाला चला रही हूँ, जब मैं गौशाला चला रही हूँ, आज तिवारी जी बैठे हैं, उस गांव का सरपंच ही कोऑपरेट नहीं करता, पानी वहां पे भी भर जाता है। मैं ही पर्सनल अपने उससे जेसीबी मंगवाती हूँ, उसमें मिट्टी डलवाती हूँ, तो कुछ हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, कुछ आपको सरकार से जाके कहना चाहिए कि ये जो आपदाएं आती हैं, कमल दीदी मदद क्यों नहीं मिल पाती? आपने कहा ना कि जैसे जहां जिस गांव में वहां सरपंच ही मदद नहीं करते, मदद क्यों नहीं मिल पाती? क्या जिसकी सिर्फ जो गौशाला चला रहा है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है, करनी चाहिए, ये लोग कहते हैं, लेकिन इन लोगों के कागजों में होती हैं सारे प्लान, टोटल जो इनके जो भी कुछ हमको लेना देना, ये अनुदान दे रहे हैं, कांग्रेस सरकार में अनुदान लगातार मिल रहा है 6 महीने का, और अशोक गहलोत को बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही तिवारी जी से निवेदन करते हैं कि आप आगे तक ये बात पहुंचाएं कि नगर पालिका हो या पंचायत हो, उनको सख्त हिदायत दी जाए कि गौशालाओं में यदि किसी प्रकार का संकट है तो वो तुरंत उनकी मदद करें, क्योंकि गौशाला के पास में इतना फंड नहीं होता है, और ये लोग 6 महीने का अनुदान देते हैं, हमें 12 मास खिलाना पड़ता है। ठीक है, गायों को
देखिए सवाल तो बहुत है और हमारे साथ क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री पवन वैष्णव जी भी जुड़ चुके हैं जैसलमेर से हैं। पवन जी, जैसलमेर की तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं जहां पर गाय मर रही है भूख प्यास से, कोई यहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं है, यहाँ पर चारा नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, हालत ऐसी होगी कि इतनी कमजोर गाय की खड़ी नहीं हो सकती, मरणासन है और चील कौवे भी उनकी आंख नोच कर ले गए, क्या ये तस्वीरें आपने देखी? श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह विषय आज समाज के सामने आपके माध्यम से रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ यह इस स्थान पे हम और हमारी कार्यकर्ता उस स्थान को देखकर आए, मौके पर वस्तु स्थिति देखा, देखने के बाद में ऐसी स्थिति हो गई जिनके प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है, जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौ माता के अंदर मानते हैं, उसकी इतनी दयनीय हालत हमने अपनी आंखों से देखी है जिसके बारे में मैं अपने शब्दों से बयान भी नहीं कर सकता हूँ। और जो बता रहे हैं यहाँ कांग्रेस के तिवारी जी, उनसे मेरा आग्रह है कि FIR को आज 48 घंटे होने आए हैं, कल सुबह ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दी गई थी और यह स्थिति में गाय वहाँ के लोग जो आसपास के लोग रहते हैं वो वहाँ गाय संभालने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि भी इस गाय की इतनी दयनीय हुई, वहाँ पे गाय सड़ रही है, जिंदा सड़ रही है, कीड़े लग गए हैं, आँख को जो है वो आँख फोड़ के ले गए पक्षी कोए वगैरह और बुरी तरह से गाय मरी पड़ी है, 100 से भी ज्यादा बड़ी संख्या में गाय आसपास में मरी पड़ी है जिसके पुलिस ने फोटो खींचे और फोटो खींचने के बाद में उसके ऊपर टैग भी लगे हुए हैं और उन टैग के अंदर जो है ना नंबर लगे हुए, उस नंबर की जांच की गई तो वस्तुतः पाया गया यह जो गौशाला के जो अध्यक्ष हैं उसके नाम से ही इन गायों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बीमा हो रखा है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि गाय के अंदर इतनी गौशाला के अंदर अनियमितता थी और गाय के गौशाला के बाहर ही बहुत अच्छी बरसात जैसलमेर में हुई है, ऐसी बरसात आज काफी लंबे समय से जैसलमेर में नहीं हुई, यहाँ पर्याप्त मात्रा में घास भी उपलब्ध है और हरी घास है तो मिल क्यों नहीं पा रही है पवन वैष्णव जी? गौशाला के अंदर गौशाला से अगर घास वहाँ पर है, चारा है तो गायों को मिल क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि जो मौत हुई है वो कमजोरी की वजह से हुई और जैसा कि आपने जिक्र किया यही हम भी बता रहे हैं और आप तो वहाँ देख कर आ रहे हैं, हम तो तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, पुलिस ने आपने कहा फोटो खींच के लेके कार्रवाई क्या की जा रही है, लापरवाही किसकी है सर? आपने दृश्य दिखाए, आपने अभी तक 48 घंटे में कि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ कहा गया हम मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल बोर्ड गठित करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, जबकि इसका सामने दृश्य आज इसके जो गाय माता के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके दृश्य हम सबके सामने हैं, हम सब उसको देख रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं, FIR दर्ज नहीं, पुलिस आके फोटो खींच कर लेकर जाती है, 48 घंटे का वक्त हो चुका है, 50 से ज्यादा गाय मर चुकी है, 100 के करीब ऐसी गाय है जिनकी हालत इस तरह की हो रखी है, क्या वजह? श्वेता, जैसा वैष्णव जी बता रहे हैं, जैसलमेर जिले में लंबे समय के बाद में भारी पानी बरसा है, भारी वर्षा हुई है और ये गौशालाएं निजी क्षेत्र की गौशालाएं, मैं कमल दीदी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जब गौ की सेवा करने के लिए आपने अपना जीवन पूरा मिशन में लगा दिया तो निजी गौशाला खोलने वालों को भी उनकी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए ना, वहाँ चारा भी है, वहाँ पानी भी है, लेकिन गौशाला संचालक उनकी उचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि निजी गौशाला है, यानी कि जो सरकार के स्तर पर गौशालाएं होती है जिन पर प्रशासन ध्यान देता है या नगर पालिका नगर निगम ध्यान देता है, उनके हालत बहुत अच्छे हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, मैं कह रहा हूँ, मेरी दीदी सुनो, अगर माँ के स्वरूप को लेकर के अगर वो गौशाला खोल रहे हैं और माँ की सेवा कर रहे हैं, आपका काम कर सकते हैं? तिवारी जी, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है। FIR लॉन्च कराई है, पोस्टमार्टम होगा। हम ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से ऐसी गौशालाओं के खिलाफ में तुरंत कार्रवाई होगी अगर उन्होंने लापरवाही बरती है और गौशाला के अंदर गौओं को मारने के लिए अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उनको सजा मिलेगी उनकी गौशालाओं की जांच। ठीक है RR तिवारी जी, ये तो दो तस्वीरें हमने दिखाई, आपने कहा कि सरकार उस पर एक्शन लेगी, लेकिन जरा ये बता दीजिए, गौपालन विभाग है, गौपालन मंत्री है, अलग से विभाग इसलिए बनाया गया है ताकि अच्छे से केयर हो सके, फंड दिए जाते हैं ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो सके, वो क्या किया जा रहा है सरकारी स्तर पर, कितना किया? जननायक अशोक गहलोत जी लगातार गौशालाओं को अपने घोषणा के अनुसार उनको लगातार अनुदान दे रहे हैं, अनुदान मिल रहा है, उसका अनुदान भी मिल रहा है 6 महीने का और बिजली का भी अभी उन्होंने 50% कर दिया, वो भी घरेलू। सरकार क्या कर सकती है? सरकार नहीं, तिवारी जी,
सरकार ये कर सकती है, जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी ड्यूटी दीजिए। कोई भी रोड पे गाय नहीं रहनी चाहिए, सबको अंदर वो लोग करवाएंगे, उनकी ड्यूटी है। क्योंकि संचालक जो है, हम लोगों के पास कोई अलग से फंड नहीं आता, आप 6 महीने का दे रहे हो और हमको 12 महीने चलाना पड़ता है, तो उनकी भी ड्यूटी होनी चाहिए। जो भी कोई आपदा आती है उसमें वो हमारा सहयोग करे, लेकिन नहीं करते। मैं जिस पंचायत में चला रही हूँ बसीनागा में, वही सरपंच नहीं कर रहे मदद। और मैंने गोपालन विभाग में भी खजांजी को भी कही कि वो मदद नहीं कर रहे, तहसीलदार जी को भी कही, कलेक्टर को भी कही, लेकिन आज कोई सुनवाई नहीं है। मैं अपने इंडिविजुअल अपने उस पर करती हूँ, क्योंकि मैं गोरक्षा दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस नाते अपनी गौशाला की भी और गौशालाओं के लिए भी पूरा संज्ञान लेती हूँ। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है वो लोग आप पूरा मैं तो फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम आपने दूर दराज की इस विभत्स दृश्य को दिखाया तो सही। सरकार के आंख ना का नीचे का स्थानीय प्रशासन होता है, और जैसे कमल दीदी कह रही हैं, राजस्थान का स्वशासन विभाग इसमें त्वरित काम करेगा। और हम धारीवाल जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो छोटी नगर पालिका या नगर परिषद को भी इस मामले में वो सीधे धकल दें, और वहाँ के ईओ से कहें कि कम से कम ऐसी गौशालाओं पे ध्यान दें, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर निजी बार बार कहा जाता है, और अगर तिवारी जी आप ये कह रहे हैं कि इसके माध्यम से आप बात रखेंगे, बहुत अच्छी बात है कि अगर जहाँ हालात सुधरे नहीं वहाँ सुधर सके। लेकिन मनीष पारिक जी, जहाँ नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती, चाहे हम राजधानी जयपुर की बात करें या दूसरे किसी निजी गौशाला की भी बात करें, अनुदान मिलता है, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, सब चीजों पर नजर होनी चाहिए। अगर इसके बाद ऐसी तस्वीरें आती है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि बारिश की वजह से पानी, वो तो एक जगह की हम झुंझुनू के पास की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ चारा पानी की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहे, यानी कि उनकी देखरेख नहीं हो रही है, जिम्मेदारी किसकी होती है सर इसमें? और अगर जिसकी जिम्मेदारी है तो एक्शन क्या, ऐसा नहीं लगता कि सख्त लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए जैसे 48 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है? जो अथॉरिटी है उसकी जिम्मेवारी है, ये पक्की बात है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ श्वेता जी की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दो काम करे थे, एक गोपालन मंत्रालय पृथक से बनाया और दूसरी बात इस गौशाला का टैक्स लगाया रजिस्ट्री पर, ये दोनों काम भाजपा की सरकार ने इसलिए करा ताकि गोपालन ठीक से हो सके। अब इस बात को कोई भी कितने भी गाल बजाए, लेकिन भाजपा ने जिस सेंसिटिविटी से इसको मां मानकर काम किया, उसका सुपरिणाम आज आ रहा है कि दीदी कह रही है कि 50% उनको टाइम पर मिल जाता है, यानी 6 महीने के लिए अनुदान मिलता है और 6 महीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वो भी पूरे साल के लिए हो जाए अगर ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन 6 महीने के लिए भी मिलता है तो 20 और 40 रुपया मिलता है पर डे का, उसमें ये भी गोपालन के लिए जो चूंकि गो भक्त भी आगे आते हैं, हरे चारे के ट्रक दान में दिए जाते हैं, गुड़ की बेलियां, चापड़ और ये सब, चलिए सब बातें मान भी लेते हैं, तो सवाल ये उठते हैं कि अगर सब कोई कर रहा है, सरकार अनुदान दे रही है, अनुदान का सही इस्तेमाल किया जा रहा है, गौ सेवा का के गौ सेवा कर रहे हैं, रक्षक जो बने हुए वो अपनी तरफ से अगर पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के गौशाले, जो कि दो गौशाले जिनकी तस्वीर सामने आई, क्या इस पर किसी की नजर नहीं गई? पवन वैष्णव जी, अभी आपने कहा सर कि वहां पर चारे की व्यवस्था भी है, सब व्यवस्थाएं हैं, एफआईआर दर्ज कराई, 48 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्यों इतनी लापरवाही वहां पर नजर आती है? क्या इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? गायों की मौत हो रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वहां पर? पवन जी, श्वेता जी, मैं जो चारा बता रहा हूँ वो गौशाला के अंदर नहीं है, ना गौशाला के द्वारा मैं जो बता रहा हूँ, बरसात के कारण हरी घास जो उग गई है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन गौशाला के अंदर जो है गायें, उनको चारा नहीं दिया गया। जो चारा वहाँ बिखरा हुआ था ना, वह भी कोई साल दो साल पुराना चारा वहाँ बिखरा हुआ था जो गाय को दिया जा रहा था, जिसे गाय खा नहीं रही थी, इस वजह से सड़कें मर गई। दूसरा मैं कह रहा हूँ अनुदान के बारे में, मैं बताना चाहूंगा जैसलमेर के अंदर 2020 में 56 गौशालाएं थी, ये 2021 के अंदर 56 गौशालाएं थी, जिसके अंदर ऐसे ही कई जानकारी हमें मिली कि ये कई अनियमितताएं हैं, चारा नहीं देते हैं, गायों का कोई सेवा नहीं होती है, और वस्तुतः अनुदान के लिए गायें जब निरीक्षण करवाया जाता है तब वो आसपास के गांवों से गायों को इकट्ठा करके और वहां दर्शाकर और उसके नाम से अनुदान उठाया जाता है। ये अनुदान जो है गौशाला संचालक पूरा पूरा खा जाते थे, तो उसकी जांच जयपुर से एक टीम, इसकी शिकायत की गई तो जयपुर से एक टीम आई, उसने आकस्मिक निरीक्षण किया, उस निरीक्षण की 15 गौशालाओं का उन्होंने निरीक्षण किया और 15 में से 14 गौशालाएं ऐसी थी जहां पे पूरी अनियमितताएं, बिल्कुल गाय नहीं पाई गई, कुछ गौशालाएं ऐसी थी जिसमें एक भी गाय नहीं थी,
और उसका पूरा अनुदान राज्य सरकार से नहीं मिला रहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए 14 में से 14 गाय जो है वो गौशाला जो है वो निरस्त हो गई। पवन जी, अगर आपकी बात पर यकीन करें जो आप आंकड़े अलग अलग जगह का बता रहे हैं, ऐसे में तो नजर आता है कि नाम के लिए गौशाला खोल ली गई है, सिर्फ अनुदान मिल जाए इस वजह से गौशाला खोल के रखे हुए है कुछ लोग। ऐसा नहीं कह रहे हम कि गौ सेवक नहीं है, गौ रक्षक नहीं है, करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इस नाम पर अनुदान उठा रहे हैं, इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है। आरआर तिवारी जी, श्वेता, पवन जी ने कलाई खोली है गौ सेवकों की, व्यावसायिकता आ गई है। और आप तो जैसलमेर के जो यहाँ से 1000 किलोमीटर आगे, मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में जहाँ मनीष पारिक रहते पुरानी बस्ती में, मैं इनकी आंखें खोल दूं। मनीष पारिक जी, कैसे गाय पालने वाले गायों को दिन भर खुला छोड़ते हैं, नगर निगम से उनकी 60-80 है, कर्मचारी जब उनको पकड़ने जाते हैं वो अपने घरों के अंदर ले जाते हैं और दिन भर वो सड़कों पे घूमती रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये गाय पालने वाले गाय के नाम पर पैसा उठा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मैं दीदी से कहना चाहता हूँ, हे दीदी, ऐसे जो नालायक गो भक्त हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए फर्जी लोन ले रहे हैं, सरकारें गौशाला खोलने के लिए अनुदान देती है, जैसे दीदी खुद स्वीकार कर रही है, वहाँ गायें ही नहीं है, 15 में से 14 गौशालाओं में गायें ही नहीं है और वहाँ का अनुदान उठ गया। तो ऐसे गौ सेवक नहीं है, ऐसे गौ सेवक पैसा लेकिन उसके लिए उपयोग कर रहे हैं। साध्वी दीदी, क्या इसकी मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए कि कहाँ सही में हो रही है? मैंने ही खजान जी से मिलके, जो इनके अधिकारी हैं पशुपालन विभाग के, मैंने ही मिलके ये बात रखी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि नागौर में भी जो गौशाला है, जो चिकित्सालय विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, उसमें इलीगल फंड इकट्ठा किया जाता है, 5 लाख के लगभग उन्होंने डिब्बे रख रखे हैं और उनमें कोई नंबरिंग नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसकी शिकायत की, ये आप लोगों की गलती है, सरकार की गलती है कि क्यों नहीं मॉनिटरिंग करती, क्यों नहीं उनको जाके देखते, क्यों नहीं ये करती। मैंने ये कहा, आप जो टीम बनाए उसमें हम लोगों को, गौ भक्तों को रखें, अलग से हम लोग जाएंगे, हम लोग आपको देंगे। तो फर्स्ट इंडिया को फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसे नालायक और नकली गो भक्तों की पोल खोली है। और खुद पवन जी जो यहाँ आप मेरी बात सुन रहे, एक तो शब्दों का उच्चारण सुन रहे, तिवारी जी गो भक्त नालायक जी बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको तो गाय तिवारी जी सुनिए लेकिन आप तो सुनिए, ठीक है तिवारी जी कह दो मनीष जी, तिवारी जी चलिए उनसे जवाब लेंगे ना, उनसे जवाब लेंगे। एक मिनट मनीष, एक मिनट तिवारी जी, आपने जो कहा ना, बिल्कुल जैसा दीदी कह रही है कि शब्दों का प्रयोग सही करिए, क्योंकि आप नालायक बोल रहे हैं। गौ सेवक जो है वो तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गौ सेवक के नाम पर जो लोग हैं, ठीक है, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने गोरक्षकों को गुंडा कहा, हमने उसके ऊपर उनके ऊपर भी केस कर रखा, दिन वो हटेंगे वो लड़ेंगे ये केस। और ये ड्यूटी केंद्र सरकार की भी बनती है, प्रधानमंत्री जी चाहे तो आज अयोध्या में, ठीक है हम श्रीराम मंदिर चाहते हैं, हम भी उसके पक्ष में हैं, लेकिन वो राम कहां जाएंगे जब गौ माता का दूध ही नहीं मिलेगा? निरंतर गौ हत्या हो रही है देश के अंदर, तो वहां से भी अगर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, पशु माने ही नहीं, क्योंकि सरकारें तो पशु मानती है अभी भी, जैसे पशु तो पशु को तो काटने का प्रावधान है संविधान में, तो गौ माता को राष्ट्र माता बना के केंद्र सरकार बनाए। और गौ माता, मनीष पारिक जी, ठीक है, हिंगोरिया गौशाला में जब तस्वीरें आई थी सरकार आपकी थी उस वक्त, ठीक है, उस वक्त भी फिर बहुत सारी चीजें की, सुधार करने की कोशिशें की। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, जब इस तरह की गौशालाओं की स्थितियां सामने आती है, उसके बाद इसे, चलिए पहले किसी ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद मॉनिटरिंग होनी चाहिए पूरे प्रदेश में गौशालाओं की, कहां क्या व्यवस्था है? जब सरकार अनुदान देती है तो जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है कि हम जिसे अनुदान दे रहे हैं, क्या जिस मकसद से दिया जा रहा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, क्या ये नहीं देखना होगा? या फिर आंखें बंद करके बस अनुदान दे दिया, इतिश्री हो गई? नहीं नहीं, आयुक्त बने हुए हैं वो, तो उसके एक आयुक्त होते हैं, उनका काम मॉनिटरिंग का है, इंस्पेक्टर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, ये सब नगर पालिका में एक अधिकारी कर्मचारी होते हैं, DLP में विभाग है, वो उसकी आकस्मिक जांच कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करते नहीं है, उसको कैजुअल लेने लगते हैं, क्योंकि संख्या इतनी है तो ऑफिसर देखते हैं, तो रोज का ही काम हो जाता है, तो उसको कैजुअल लेते हैं। और इसी कैजुअलिटी को रोकने के लिए ये व्यवस्था, दांडिक प्रावधान होते हैं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जैसे आपने अभी ये जो दृश्य दिखाए हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है, और जनता तो क्या कर सकती, कानून अपने हाथ में नहीं लेगी, वो आक्रोश व्यक्त कर सकती है। तो दूसरी बात, जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को करना चाहिए। जो मैंने आपको कहा कि अनुदान देना, संरक्षण देना, उनको सेस लगाना, टैक्स से वसूली करना, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडॉप्ट किया था, वो बदस्तूर जारी है,
इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है उसका डे बाय डे विजिलेंस तो विजिलेंट तो होना ही पड़ेगा। सरकार नहीं भी करे मॉनिटरिंग तो विपक्ष में होने के नाते, पिछली सरकार 5 साल आपकी थी, विपक्ष में होने के नाते क्या जिम्मेदारी आप लोग की नहीं बनती है कि अगर कुछ गड़बड़ी है तो एटलीस्ट बता दिया जाए, उनको दर्शाया जाए कि भाई यहाँ पे इस गौशाला में बहुत ज्यादा दिक्कत है, यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, तो आपकी ड्यूटी बनती है। श्वेता जी ये बात भी हुई है दीदी, आप देखेंगे पहले उसमें 4 करोड़ रुपए का अनुदान हुआ था, इस बार घट के वो 2.5 करोड़ हो गया, तो ये 1.5 करोड़ की कमी हुई जब उस समय पिछली अभी 6 महीने पहले पेंडेमिक के पहले उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि जो सही मायने में मैंने जाके किया वो ऑफिस में, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी थी। वोट बैंकिंग की आवाज उठाते हो, आप तो उठाते ही नहीं आप कहें, लेकिन वो भी जो भी कारण है, परंतु इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षण आपने किया, अच्छी बात है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बारे में बात की थी और उसके लिए बयान भी जारी किया। एक बात, दूसरी बात, अब ये किस तरह से किया जाता है वो अलग हो सकती है, किंतु जो मंतव्य है वो बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। लेकिन कमल दीदी एक अहम बात यह है कि देखिए आप लोग तो सालों से कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, सरकारें 5-5 साल बदल जाती है, 5 साल सरकार जो आती है और हर कोई गाय के मुद्दे पर बात भी करता है, गौ सेवक भी हो, गौ रक्षक हो, गौशालाओं की अच्छी उन्नति हो, पूरी व्यवस्था है, वो सब बातें करते हैं। क्या कोई फर्क आपको पिछले 10 सालों में नजर आया व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह की मदद की जा रही है और नहीं की जा रही, तो वो क्या है ताकि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं जो देख रहे हैं अभी इस वक्त वो समझ सके कि हमें अभी और क्या कुछ करना है गौशालाओं को ठीक करने के लिए। देखिए कांग्रेस सरकार में गौशालाओं की बहुत अच्छी मतलब सुविधाएं दे रहे हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, और अभी भी जैसा कि मैंने 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ देखी थी कि अशोक गहलोत जी ने ये पंचायती राज मंत्री जी को पत्र लिखा है कि नरेगा का जो कार्य है इसमें गौशालाओं को भी शामिल किया जाए, जैसे अभी जो ये नौबत आई है कि इतना पानी भरा है और नरेगा में जो काम हो रहा है अगर वो काम वो लोग गौशालाओं में भी कर दें कि जहां जहां खड्डे वगैरह हैं उनको भर दें तो शायद ये नौबत नहीं आए। तो अगर ऐसा उन्होंने किया है, ये वास्तव में है, इसको लागू कर दें तो और भी ज्यादा धन्यवाद है। वैसे जो अनुदान आता है वो श्वेता मैं बता दूं 20 रुपए छोटे के लिए और 40 रुपए बड़े गाय के लिए आता है, जो सफिशियंट नहीं है क्योंकि केवल चारा ही नहीं है, हमको ग्वाले भी रखने पड़ते हैं, सेड भी बनाने पड़ते हैं, उनके नीचे की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, तो उससे पूरा नहीं होता है। लेकिन जिनको आवश्यकता है उनके लिए तो इतना जा रहा है और जिनको आवश्यकता नहीं है, बहुत सी गौशालाएं हमारे यहाँ ऐसी हैं जो मैंने पशुपालन विभाग में जाके बताया जिनके पास इतना फंड है कि वो फंड इधर उधर दिया जाता है और उस फंड को यदि वो गौशालाओं में ही लगाएं और सरकार से ना लेकर और दूसरी गौशालाएं जो वास्तव में रनिंग में नहीं है उनको दिया जाए तो गौ माता की ये बेकदरी नहीं है। तो क्या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आपने मुलाकात की, क्या इन मुद्दों को रखा कि ये सब ऐसा हो रहा है और इस पर आपको गौर करना चाहिए और इसकी स्थितियों को ठीक करना चाहिए, क्या आपने अपनी बात रखी है, किसी से मुलाकात की इस बीच? मैंने पशुपालन विभाग में जाके खजान जी जो इनके मुख्य जो है उनसे मिली, उनके सामने भी रखी और ये जो गौशालाओं की बता रहे हैं कि बीजेपी ने उठाई, ये मुद्दा सारा जाके मैं उठा के आई थी कि ऐसे ऐसे है, उनको जाके देखो कहीं ऐसे है कि ढेर सारी गायें हैं भूखी हैं, कहीं ऐसा है कि एक भी गाय नहीं और उनको आप फंड दे रहे हैं तो ऐसे ही क्यों। तो उसके बाद में उन्होंने टीम भेजी और मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे इस पे संज्ञान लिया। दूसरी मैंने जो मंत्री जी हैं उनसे मिलने की, प्रमोद भाई जैन से कोशिश की, 4 बार चक्कर काट के आ गए लेकिन ये लोग गाय के नाम पर नहीं मिले, यानी मंत्री जी ने मुलाकात ही नहीं की, मिलते ही नहीं गाय के नाम पर ये लोग। चलिए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया, जैसलमेर से आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए सबसे हम ये बेकदरी पूजनीय की हो रही है यहाँ पर, गौ माता हम कहते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय को चुनाव में मुद्दा बना लेते हैं, वोट बैंक के लिए बनाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल ये उठते हैं कि कहां गए वो गौ सेवक, कहां गई वो सरकार, कहां है वो प्रशासन जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है इसे ठीक करने के लिए। और अगर जिम्मेदारी से सरकार प्रशासन की तो है, लेकिन आम जन अगर जिस किसी को नजर आता है कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था है, गाय मर रही है, मौत हो रही है, तो क्या आप बता नहीं सकते, क्या आप देख नहीं सकते, क्या किसी को अवगत नहीं करा सकते? अगर मीडिया तस्वीरें नहीं दिखाए तो कुछ पता ही नहीं चले 50 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। इंतजार हमें रहेगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जल्द से जल्द कोई कार्रवाई यहां पर की जाए और उससे बेहतर ये कि व्यवस्थाएं यहां पर ठीक की जाए ताकि गायों की हम पूजा करते हैं तो गाय भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और आगे भी हम इनकी पूजा करते रहे, ना कि इस तरह के मुद्दे लेकर आए, ना कि हम इस तरह की तस्वीरें दिखाएं जिसको देखने के बाद दिल में दर्द होता है और कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि हम वहां पर क्यों नहीं थे, क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते जो लोग फिलहाल अभी ये तस्वीरें देख रहे होंगे। चलिए सिक्स बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।